नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आलोक। यूपी में विपक्ष के संभावित महागठबंधन पर खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब तक ये माना जा रहा था कि एसपी और बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन माया के इस बयान ने पेच फंसा दिया है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि उनका किसी से बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं है, और अगर किसी से रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज से है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कई मौकों पर सीटों से समझौता करने का संकेत दे चुके हैं। अखिलेश यहां तक कह चुके हैं कि कुछ सीटों का त्याग भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इसके बावजूद मायावती के इस बयान का क्या मतलब है? मायावती सम्मान की बात कहकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या उन्हें डर है कि जो गठबंधन बनेगा उसमें उनकी पार्टी को उचित जगह नहीं मिलेगी, या फिर ये मायावती की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? बहरहाल जो भी हो, असल बात तो यह है कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए निजी हितों को किनारे रखना पड़ता है, और सरल शब्दों में कहें कि कंप्रोमाइज यानी समझौता करना पड़ता है। लेकिन जब मायावती जैसे नेता गठबंधन अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तो गठबंधन में गांठ पड़नी तो लाजमी है। तो मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनते मायावती ने क्या कुछ कहा, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, और पलटवार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले जरा सुनिए। गठबंधन के खिलाफ नहीं है, समझौते के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में भी हमारी पार्टी का शुरू से ये क्लियर कट चल रहा है कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में तभी कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि करेगी जब हमारी पार्टी को समझौते व गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती है, जिस भी पार्टी से हम अलायंस करते हैं, तो जब हमारी पार्टी को समझौते व गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, वरना फिर हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है। न केवल हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा गठबंधन तैयार होगा, और मैं चाहता हूँ कि देश में बदलाव हो, क्योंकि लोग नोटबंदी से परेशान हुए, जीएसटी से परेशान हुए, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, उद्योग कारखाने बंद हो गए, उनमें दरार है कि उनमें दरार नहीं है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो एक भी हो जाएं तो भी जनता अगर हमारे साथ है तो कमल खिलेगा, और जिनके साथ नहीं जनता रहती है उनके पास राज्यसभा में जाने का नंबर नहीं है, उनके लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, तो मायावती जी बौखलाहट में है। सपा बसपा कांग्रेस एक हो चाहे अलग अलग लड़े, भाजपा का एक ही लक्ष्य है 100 में से 51% वोट कम से कम प्राप्त करना। तो गठबंधन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ती नजर आ रही है। विपक्ष के संभावित महागठबंधन पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। सवाल तमाम सारे हैं, आज आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस में। और सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं समीर सिंह जी। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से मुकेश चौहान जी हैं। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दलित चिंतक प्रोफेसर रवि कांत जी हमारे साथ हैं। रवि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अमित जामेई जी जुड़े हैं। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, चूंकि आज गठबंधन में गांठ को लेकर के मायावती ने जो बयान दिया है, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, अमित जी के पास। अमित जी, मायावती जी कल ही अपने नए घर में गईं
और नए घर में बात करें तो जाते जाते एक नया शिगुफा भी छोड़ दिया और साफ तौर पर कहा कि गठबंधन को लेकर के कि बीएसपी सुप्रीमो ने रविवार को साफ तौर पर यह बात कहा भी कि अगर सीटों को लेकर के अगर बात करें तो सम्मानजनक सीटें अगर उनको नहीं मिलती हैं तो बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और अब तक ये माना जा रहा था लेकिन कि एसपी और बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन अब कल के इस बयान को लेकर के लग नहीं रहा है कि कोई बात बनी। अमित जी, देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज बहुत साफ कह दिया है कि गठबंधन का सवाल या ये उससे बड़ा सवाल है इस देश को बचाने का सवाल, संविधान को बचाने का सवाल। और मायावती जी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनकी बात में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रदेशों के चुनाव भी आपके सामने हैं। जी, गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है इन राज्यों में भी समाजवादी पार्टी को, बसपा को जो है एक सम्मानित सीट तो मिलनी चाहिए। और इसीलिए हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा, आज बहुत साफ कहा है कि कांग्रेस क्योंकि देश की बड़ी पार्टी है उसको अपना बड़ा दिल करने की जरूरत है और वो बड़ा दिल करके हमारे सामने आएंगे इस देश को बचाने की लड़ाई में और आगे आपको सब कुछ जो है ठीक होता हुआ नजर। अमित जी, अखिलेश जी के बयान की अगर बात करूं, उन्होंने कहा कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कितनी कुर्बानियां देंगे सीटों के लिए, गठबंधन के लिए? देखिए 2019 के आज से 14 से लेके 19 तक आपको मालूम है कि देश के संस्थानों को आरएसएस ने खत्म कर दिया है, देश के लोकतंत्र को आज वो गिरवी पे रखा हुआ है, देश का संविधान आज खतरा उसके ऊपर है। अखिलेश यादव जी उसकी बात कह रहे हैं कि अगर हमें उस संविधान को, मुल्क को, देश को बनाने के लिए अगर हमें नीचे आना पड़ा, अगर हमें पीछे आना पड़ा, सीटें कम करनी पड़ी तो हम करेंगे। सीटें बड़ी नहीं है, ये देश बड़ा है, ये समाजवादी देश बड़ा है, ये उस देश की बात करना है। जी, चलिए आपने तो देश की बात की, चलिए सभी लोग, हर पार्टी देश की बात करती है। अब मैं जरा मुकेश जी के पास आता हूं। मुकेश जी, देश बड़ा है और देश के लिए, यानी कि अगर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को पीछे हटाने के लिए कुछ भी करेंगे, हर समझौता मंजूर है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्रोमाइज की बात आ रही है। कम सीटें अगर आपको मिलती हैं तो आप संतोष कर लेंगे क्या मुकेश जी? आलोक जी, हाँ, जब भी गठबंधन होता है तो आपसी विचार मिलते हैं, जब बैठके होती हैं, सामंजस्य बनता है तभी होता है। सम्मानजनक मतलब जब आपसी हर चीज पे, चाहे मुद्दों पे हो, चाहे जिस पे हो, जब तय हो जाता है तभी गठबंधन बनता है। सम्मानजनक मतलब यही है। और बड़े नेता सब बैठ रहे हैं, सब तय करेंगे, और अभी बहुत अर्ली है कोई चीज कहना, बहुत जल्दबाजी है। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। देखिए, ये विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने बिल्कुल एंड टाइम पे गठबंधन किया था। अभी अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब के अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा होगा। तो मेरा मानना है कि भी कई दौर की बैठकें चलेंगी, आपस में सहमतियां बनेंगी। मायावती जी ने बहुत क्लियर कहा है कि सम्मानजनक, तो सम्मानजनक मतलब जब आपस में जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे के सम्मान से ही गठबंधन होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे कोई गठबंधन होता है। गठबंधन का मतलब है हम सभी लोग सहमत होंगे तब गठबंधन होता है। और मुझे लगता है अजय जी के पास आ रहा हूं। अजय जी, जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि गठबंधन होगा, सब लोग बैठेंगे, लेकिन सवाल यह है कि यहां तो सबके अपने अपने निजी हित हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, वो सबके साधे सब सदे नहीं कहते, वो कैसे सधेंगे सब? पहली बात तो यही है, हर एक की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। और जहां तक मायावती का सवाल है, वो भले ही मजबूर हो, कभी मजबूत रहती थी, इस समय मजबूर हैं, और उन्होंने मजबूर कर दिया है अखिलेश यादव को। उन्होंने 3 सीटें जो जितवा दी उनको इस बार अपना समर्थन देके, तो अब वो भी कहीं ना कहीं से इस बात के लिए है कि ये गठबंधन हो जाए। लेकिन हम बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो या क्या, कहां कहां मायावती का सम्मान होगा ये मायावती स्वयं सोच रही हैं। फिर उनकी निगाह भी जो है, अगर है तो वो एक बड़ी 4 बार अगर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो अब वो मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर नहीं निगाह, उनकी निगाह एक और बहुत बड़ी कुर्सी पर है, तो वहां
सबसे बड़ा अड़ंगा कौन लगाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मायावती का तो आप देखिए कितने के लोग उनको छोड़ गए, क्या क्या किया, और आज फिर वो अपने भाई पर निर्भर हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है, महत्वाकांक्षा अगर रहेगी, लोगों में ईगो रहेगा, कभी गठबंधन सफल नहीं हो पाया। अभी बात हुई है, हमारे समाजवादी प्रवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव, वहाँ आप न मायावती का प्रभाव है और न वहाँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन कोशिश खूब हो रही है, कोशिश हो रही है किस तरीके से, निश्चित रूप से नहीं। कांग्रेस की बात मैं नहीं करूँ, मैं गठबंधन की बात, कांग्रेस कहाँ ठहरेगी, क्या ठहरेगी, वो अलग की बात है। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के सर वहाँ पर, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात, वहाँ समाजवादी पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है, जहाँ समाजवादी का प्रभाव नहीं है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी अमित जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मध्य प्रदेश का जो आधा हिस्सा है वो समाजवादियों के प्रभाव में रहा है जी, और इस बार वहाँ पर समाजवादियों का, वहाँ के लोगों में जो आदिवासी समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, जो गरीब जनता है, उनका जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख बढ़ा है। और ये जो बात हो रही है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो अलायंस का है, जिसे आज के बयान से कोई नतीजा निकाल लेना कि कुछ बिगड़ रहा है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी जी। नहीं नहीं जल्दबाजी से नहीं, क्योंकि सारी पॉलिसी बन रही है, चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। खैर मैं बीजेपी के पास आ रहा हूँ, समीर जी के पास। समीर जी, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराने के लिए अब कंप्रोमाइज तक, समझौता करने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि अब बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है। देखिए अखिलेश यादव जी का बयान निश्चित रूप से बचकाना बयान है जी, और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी घबराहट और बेचैनी बोल रही है। आप पिछले दिनों को देखिए, हमारे अजय जी भी अभी उसका उल्लेख किया, पिछले दिनों को अखिलेश यादव के गठबंधन की राजनीति और उनकी पूरी राजनीतिक चर्चा को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 5 साल मुख्यमंत्री रहते समय उनके लोकसभा का चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी 4 सीट पर सिमट गई। पार्टी बचा नहीं पाए, सरकार चला नहीं पाए और घर के झगड़े सुलझा नहीं पाए जी। और महागठबंधन की चर्चा करते हैं और मायावती उनको खारिज करती हैं और उनकी बेचैनी ये बताती है कि समीर जी ये पुरानी बातें हो गई, अब आप लोग गठबंधन की गाल ढूंढ रहे हैं, अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। गठबंधन से हमको डरने की बात नहीं है, ना हम सहम रहे हैं, ना डर रहे हैं। चुनाव भी बहुत हल्के में लिया था। देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। गठबंधन में जो उपचुनाव हुआ वो गठबंधन में नहीं हुआ, मायावती चुनाव से बाहर हो गई, कांग्रेस चुनाव से बाहर हो गई और उन चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी कहीं लड़ी, कहीं आरएलडी लड़ी, हमारे वोट बढ़े हैं, हमारा वोट बढ़ा, हमारा वोट घटा नहीं। हम काम के आधार पर चुनाव लड़े, हम सबके विकास सबके साथ के आधार पर चुनाव लड़े और उसमें जनता ने हमारे साथ समर्थन किया, हमारे वोट परसेंटेज बढ़े। हाँ हार जीत के प्रेस्क्रिप्शन बहुत होते हैं, कभी 40,000 पाके कोई विधायक बनता है और कभी 80,000 पाके किसी सीट पर कोई हार जाता है, ये तो बहुत सारी डिटेल की बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी हताशा में है और निश्चित रूप से ये अभी बताएंगे, जो मैं प्रोफेसर साहब से सवाल का जवाब लूंगा कि कौन सत्ता पक्ष हताशा में है या विपक्ष। प्रोफेसर रवि कांत जी, दलितों की हितैषी हर पार्टी बन रही है, अगर हम बात करें बीजेपी की तो लगातार पिछले कुछ दिनों, चाहे वो ऊना का मामला सामने आया हो, रोहित विमला का मामला सामने आया हो, ये तमाम सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ग्राम स्वराज अभियान चलाया और गांव गांव में दलितों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये तमाम सारी चीजें क्या है ये, और ठीक चुनाव के पहले ये सब चीजें आ रही हैं, चाहे वो SC ST एक्ट की बात हो, प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, और सबसे बड़ी बात कि जातिगत सम्मेलन जो हो रहे हैं, ये सब क्या दर्शा रहे, कौन डरा हुआ है। रवि जी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो सम्मेलन उनके चल रहे हैं वो उनकी अपनी एक राजनीति है और वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो और दूसरे विपक्ष हैं उन्हें सीखने की जरूरत है। देखिए केवल क्रिटिसाइज करने के लिए हम क्रिटिसाइज करें भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे नहीं समझ में आता है। भाजपा की जो तैयारी है, चुनावी तैयारी है, वो बहुत मजबूत रहती है, अभी वो कर रहे हैं,
लेकिन जो मसला है आज की बहस का जो मसला है कि महागठबंधन की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी, क्या डरे हुए, मुझे लगता है कि ना अखिलेश जी डरे हुए हैं ना बहन जी ने वो बात कही है डर करके कही है। महागठबंधन मुझे लग रहा है कि वो स्वाभाविक बना है, वो स्वाभाविक बनता है जनता के दबाव में बना है। ये दोनों लोग इतनी आसानी से एक साथ नहीं आने वाले थे, लेकिन चूंकि जनमानस भारतीय जनता पार्टी से उबा हुआ था, वो निराश था, वो गुस्से में था, इसलिए दोनों लोग एक साथ आए। और एक साथ आने के बाद ये मजबूरी होगी, चाहे वो बहन जी कभी थोड़ा बहुत कहें या अखिलेश जी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि वो मजबूरी होगी दोनों लोगों की कि वो एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए ऐसा करेंगे। रही बात जो आपने शुरू में कोट किया था कि बहन जी ने एक बात कही कि बुआ भतीजे का कोई रिश्ता नहीं है, मुझे लगता है कि वो बात उन्होंने अखिलेश जी के संदर्भ में नहीं कही थी। वो बात दरअसल अभी जो चंद्रशेखर रावण जो रिहा होकर के आए हैं उन्होंने जो कहा था इस पर टिप्पणी थी मायावती जी की, वो टिप्पणी अखिलेश जी पर नहीं थी। बहन जी और अखिलेश जी के रिश्ते मुझे लगता है कि बहुत इस समय सरल हैं, बहुत सहज हैं और दोनों लोग ठीक तरीके से गठबंधन बना लेंगे और चुनाव होगा, वो कायदे का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वो चिंतित हैं, वो भले ही कहें समीर जी भले ही कहें कि हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता तय करता है। जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव के बाद बहन जी के कंधों पर हाथ रखा सोनिया जी ने, वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि भारत की राजनीति बदल रही है। और अब बहन जी को एक बड़े, जो अजय कुमार जी ने जो कहा कि एक बड़े जिम्मेदारी की तरफ इस देश की जनता ले जाना चाहती है, उनको उस पद पर देखना चाहती है और एक बदलाव देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4.5 साल में इनके जो कार्यकर्ताओं ने और इनके जो समर्थकों ने जिस तरीके से दलितों पर हमले किए हैं, संविधान जलाया गया है, दलित नौजवानों को पीटा गया है, उनकी औरतों से बलात्कार किए गए हैं, उसकी भरपाई SC ST एक्ट को तोड़ करके और फिर ऐसे वैसे करके नहीं हो सकती। प्रमोशन में आरक्षण का आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमको पता है कि कुछ नहीं है, 6 महीने के बाद आप भी भूल जाएंगे और फिर वहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो ये इससे अब चलिए बहुत स्वस्थ डिबेट चले। मैं समीर जी से सवाल का जवाब चाहूंगा। समीर जी, सुना आपने कि दलितों की किस तरीके से नाराजगी है, जाहिर सी बात है 2014 में स्थितियां और थी, 2019 में स्थितियां और हैं, तब लगभग 23% के आसपास आप लोगों का दलितों का जो वोट प्रतिशत मिला था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आलोक जी, नंबर एक चीज, हाँ मैं तो एक निवेदन करूंगा कि रविकांत जी अच्छे विचारक हैं जी, इनको विचारक की जगह अगर आप बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता लिख दें तो कोई दिक्कत हमको नहीं हो जी, क्योंकि जो चिंतक और विचारक क्या होता है, अगर कोई मेरी बात पूरी हो जाए, आलोक जी मेरी बात पूरी हो जाए, चिंतक और विचारक वो होता है जो स्वतंत्र आलोचना और स्वतंत्र प्रशंसा करता है। मैं रविकांत जी का ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, लोग हैं टेलीविजन पर बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, बीजेपी को जानने वाले बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई अभी आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, इसको सब्जी मंडी मत बनाओ, अभी आप सब्जी मंडी मत बनाओ डिबेट को, आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। चलिए समीर जी, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं अभी आपको मौका दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद सबके विकास सबके साथ के नारे के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4.5 साल पहले आए, 17 महीने में हम उत्तर प्रदेश में, 15 सालों तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस उनके साथ थी, गठबंधन पहले भी रहा है, 1993 में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन को लेकर के इतिहास नहीं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि दलितों की नाराजगी क्या थी, मैं आ रहा हूँ सर, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जरा, चलिए आपकी नजर में नहीं है आपके, चलिए सर 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 ठीक है, जल्दी से बस मुझे अभी सबके पास एक मिनट जब आप सेकंड में, हाँ दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया जी, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दलितों को दिया, बैंक तक खाते खुलाने का काम उन्हीं गरीब लोगों का हुआ जिनके खाते नहीं थे, मूलभूत सुविधाएं आवास गरीबों के पास नहीं है वो सब उस वर्ग से आते हैं जिनको ये दलित कहते हैं, ऐसे बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी के जरिए आपको सब दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक सब देख रहे हैं, हमें उज्ज्वला योजना और सब 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 ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि दलितों के लिए क्या कुछ किया, दलितों के लिए क्या किया। मैं अमित जी के पास आ रहा हूँ, अमित जी
वाकई में दलितों के हितों की बीजेपी बात कर रही है क्या, जो उज्ज्वला योजना जैसी तमाम सारी योजनाएं जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थितियां कुछ और हैं। दलितों के लिए योजनाएं हजार से भी ज्यादा चलाई जा रही, लेकिन अगर मुख्य धारा में बात करें, मेन स्ट्रीम में लाने की बात करें, क्या अभी भी वो मुकाम पहुंच पाया गया, उस मुकाम पे दलित पहुंच पाए क्या? अमित जी एक सवाल आपसे। मैं देखिए हमारे जो आरएसएस के लोग हैं और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका जो दलित प्रेम है, हम आपको एक दो उदाहरण देंगे, बोलने दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। 700 पोस्ट यूनिवर्सिटियों में निकली, उसमें 100 के अंदर दलित बैकवर्ड को निपटा दिया गया। क्या दिक्कत थी माननीय काशीराम जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने? अगर ये ना होते तो ये 60% जो हमारा समाज था, ये चपरासी से कप्तान ना बनता, चपरासी से डीएमएस डीएम ना बनता। क्या दिक्कत है कि आरक्षण के जरिए अगर ये हमारा बैकवर्ड दलित समाज खड़ा हुआ था, आरएसएस ने जातिवाद फैला के उस आरक्षण को, भागीदारी को क्यों खत्म कर दिया? उज्ज्वला आपने दिया सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर भरवाने की ताकत तो नहीं है उस दलित कमजोर गरीब लोगों में? और आपने आज सुना है माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी रिवर फ्रंट को अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे पेश करने जा रहे हैं जी। आप तो बोल रहे थे कि रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ है, चलिए इंक्वायरी चल रही है। क्या है अगर कोई अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी का नाम हो रहा है, नाम तो उत्तर प्रदेश का ही होगा ना। अरे जब 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 एक्सप्रेसवे बना हाँ। उस पर हमने ठीक है वो हमारा मुद्दा नहीं है, उसके बाद काम भी बोला और उसके बाद फिर सवाल भी उठे, काम बोल रहा है कि कारनामा बोल रहा है, मैं उस पर आज जा ही नहीं रहा हूँ। चलिए मैं एक बार अजय जी के पास आ रहा हूँ। अजय जी, मायावती के इस बयान ने, जिस बयान की हम बात करें, कहीं ना कहीं पेच फंसा दिया है। मायावती यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि उनका किसी से बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं है, और अगर किसी से रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज से है। ये बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मायावती का बयान एक तीर से दो निशाने साधने वाला होता है जी। जो बात उन्होंने कल कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो एक जिसको अभी छोड़ा गया है क्या उस रावण वामण का नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं रावण ही कह देता हूँ। और उसने बातचीत में ये बात कही थी पत्रकारों जेल से छूटने के बाद ही कि मैं बहन जी का भतीजा मायावती जी का नाम लेकर के, लेकिन उसने मायावती पर भी तमाम आरोप जड़ दिए थे वहां पर। ऐसा नहीं है। इधर अखिलेश जी बुआ भतीजे का रिश्ता, उन्होंने एक थी कि भाई और दिखलाने के लिए अपने समाज को कि देखिए मैं अगर किसी की बुआ हूं तो अपने समाज की हूं, इन नेताओं की बुआ नहीं जी। इसका तो क्लियर है, वो अपने समाज के लिए करती हैं सारी है। लेकिन अपने समाज का भी वो कब करती हैं? जब वो सत्ता में होती हैं तो अपने समाज को धीरे धीरे भूल जाती हैं। और मुझे याद है उनकी मिनिस्ट्री में कौन कौन सवर्ण महत्वपूर्ण पद पर थे और कौन कौन दलित नीचे के पद पर। तो मायावती का अपना काम है वो है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने भी अपने दो एक चाणक के साथ साथ एक और सपा का भी चाणक अपने पास मिला लिया है, वो क्या गुल खिलाएंगे वो तो एक भविष्य की बात है। लेकिन मायावती का एक बयान कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि मैं अभी भी मजबूत हूं, तुम सबको मजबूर कर रही हूं कि मेरे सम्मान की रक्षा करो, और जो मैं जितनी सीटें मैं चाहूंगी अगर वो दोगे तुम लोग तब तो हम समझौता कर पाएंगे, अन्यथा धमकी के आधार पर। देखो वो हमेशा देती है तो उनकी वाणी भी धमकी में रहती है। जब हम लोग भी प्रेस में जाते हैं तो बहुत शालीनता और उनका जो है वो व्यवहार नहीं रहता। रवि जी, जिस तरीके से उन्होंने सम्मानजनक सीटों की बात की है, तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि एक जब सीटों की जब शेयरिंग होगी तो उससे पहले कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा खासा माहौल बना लिया, या यूं कहें कि प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रही है वो। निश्चित रूप से। एक तो जो अभी अमित जी ने जो बात कही थी कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में जो इलेक्शन है वहां पर भी देखिए, एक कहीं ना कहीं कांग्रेस से भूल हुई थी कि गुजरात के चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने, जितना मुझे जानकारी है, मैं मुझे बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है जी जी, कि एक दो सीटें उन्होंने मांगी थी आखिरी में कि वो आप दे दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, वो शायद इनकार कर दिया था राहुल जी ने। तो ये अगर आपको गठबंधन करना है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, वो गठबंधन आपका पूरे भारतवर्ष में दिखाई देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राजस्थान में
वहां पर जो दलित हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अभी वहां चूंकि इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं है तो वो वोट जो है वो बीएसपी में तब्दील नहीं होता है। लेकिन अगर कांग्रेस गठबंधन करती है बहुजन समाज पार्टी के साथ तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी इन तीनों राज्यों में और कांग्रेस जीतेगी वहां। लेकिन अगर राहुल जी और उनके सपह सालार कहीं ये फिर से भूल कर जाते हैं कि वहां पर अगर सम्मान नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इसीलिए बहन जी ने कहीं ना कहीं ये इस तरह का बयान दिया है कि वो सिर्फ यही नहीं होगा, अगर आपको यहाँ करना है तो फिर और जहां जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी करना पड़ेगा। मुकेश जी फिर कितना तैयार है बीएसपी के साथ गठबंधन के लिए आप लोग, क्योंकि आप चुनौती तो देनी, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें रमन सिंह को चुनौती देनी, मध्य प्रदेश में बात करें तो आपको शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देनी है, राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे को चुनौती देनी है। आलोक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय कर दिया गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको तय करेंगे कि गठबंधन किससे किससे करना है किन किन स्टेटों में, तो इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ही हमारा तय करेगा। यहाँ हम लोगों उस पर चर्चा मुझे नहीं लगता कि हम बताने की स्थिति में इस समय है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। आप लोगों ने तो बात करी लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा बस आजकल बस खाली नीरव मोदी और बस राफेल डील को लेकर के कुछ बात ही नहीं करते, उनका अपना कुछ विजन ही नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश देखिए मोदी सिर्फ मोदी सुन लीजिए आलोक जी जी, राफेल डील की बात आपने कही ठीक है हाँ मैंने की, देश के तमाम लोगों को जानने का अधिकार है राफेल डील की, जो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं लड़ाकू विमान वो कितने में खरीदे जा रहे हैं और बताते, जब एक बार रक्षा राज्य मंत्री ने सदन के अंदर बता दिया 670 करोड़ रुपए, उसके बाद बताते हैं कि हम बता नहीं पाएंगे। एक मिनट सुन लीजिए मुकेश जी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो 526 करोड़ में यूपीए में डील हो रही थी वो 1670 करोड़ में हुई। चलिए मान लिया उस राफेल डील को हम दिखा रहे कितने में हुआ समझौता, लेकिन जनता और भी तो विकास के कार्य हैं उन पर कोई चर्चा होगी। मेरा सवाल यही था सिर्फ, विकास के और भी मुद्दे हैं, मुझे आज तक पार्टी का कोई रोड मैप समझ में नहीं आया, कोई विजन समझ में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जांच जी। हाँ बात आपने सब राफेल डील के सर आंकड़े बता दिए जो हम ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं सर जी, और भी तो कोई चीजें बताइए सर, गठबंधन को लेकर के क्या है कि आपका अपनी पार्टी का कोई एजेंडा है या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही जाएंगे, क्या विजन है, क्या रोड मैप है, सिर्फ मोदी रहेगा आपका? जी, हाँ, बताइए। उत्तर प्रदेश में हम तैयारी कर रहे हैं 80 सीटों पे, मुझे कोई तैयारी नहीं दिख रही सर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पूछा सर, आपने इतनी देर में मुझे राफेल डील के बारे में बताया, आपने मुझे कोई तैयारी बताई नहीं। ब्लॉक स्तर तक बैठे सम्मेलन हो चुके हैं, जिला सम्मेलन शुरू हो गए, आज अभी बाराबंकी में कुछ दिन पहले था, अभी मुरादाबाद में झांसी का भारत बंद की वजह से 10 तारीख को झांसी का सम्मेलन टल गया था, लेकिन लगातार सभी जिलों में सम्मेलन की डेटें फिक्स हो गई हैं। जिलों तक वो ब्लॉक स्तर पर बीजेपी जा रही है, ब्रांड एम्बेसडर गांव में बना रही है, फिलहाल किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा, यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन नाजिर होते, बड़ी बहस जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में विपक्ष के संभावित महागठबंधन पर खतरे के बादल मटराते दिख रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवालों के जवाब आए, मैं एक बार अमिक जी के पास आऊंगा, लाइव टुडे के न्यूज रूम चलूंगा। अमिक जी एक सवाल का बिल्कुल दिल से जवाब दीजिएगा, क्या विपक्ष गठबंधन धर्म निभा पाएगा? और सवाल यह कि जिस गठबंधन को लेकर के बात चल रही है अभी तो उसमें बहुत सारे छोटे दल भी मिलने हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, यह भी तो बड़ा सवाल है सर। देखिए अगर बीजेपी केंद्र में 30 दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है तो जो विपक्ष के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जो लोग इस देश के संविधान को मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बारे में बात कर रहे हैं ऑलरेडी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस देश में भाजपा को उखाड़ फेंकने का, ये जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं जो इनको समस्या हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि इनकी चोट कहाँ पर है। ये जो दो दो मुख्यमंत्रियों को हमने उत्तर प्रदेश बाय इलेक्शन में उखाड़ फेंका, जिनके बारे में कहा जाता था कि योगी जी को कोई उखाड़ नहीं सकता है, हमने वहां से पूरा गोरखपुर इनका उखाड़ दिया, और फूलन देवी के समाज से हमने एक
एक सामाजिक न्याय का अजीम साकार पेश करते हुए हमने एक सांसद दिया, और ये कैराना नूरपुर जिसको आरएसएस अपना लेबोरेटरी बना के चला रहा था, वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हुए, जब इस सवाल का जवाब मिलता है तो सत्ता पक्ष से जवाब आता है कि भाई हमने हमने उपचुनाव में अमित जी जब सत्ता पक्ष से पूछा जाता है तो ये जवाब आता है कि हमने उपचुनाव में चलो आपको दे दी, मेन चुनाव में अब सत्ता पक्ष जीतेगी। हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि दो मुख्यमंत्रियों के बारे में जो कहा जाता था इलाहाबाद गोरखपुर कोई नहीं उखाड़ पाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलके समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसमें रातों रात आपने अपना प्रत्याशी भी तो ट्रांसफर कर दिया। ये आप लोगों की रणनीति रही ये, और बीजेपी समझ नहीं पाई, ये तर्क है जी। जब हार गए आप इसका उदाहरण क्यों नहीं देते? चलिए मैं एक बार जरा अजय जी के पास आता हूँ। अजय जी, वो जो रणनीति बनाई थी रातों रात ट्रांसफर कर दिया आरएलडी का प्रत्याशी, तो ये बीजेपी समझ नहीं पाई, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए बीजेपी चाहे वो गोरखपुर में हारी हो या और जगहों दो सीटें हारी, वो बहुत अपने को ये निश्चित मान के चल रहे हैं अरे हम तो जीत ही जाएंगे जी। वो योगी जी का क्षेत्र है, वो केशव मौर्य का क्षेत्र है, और वो तो चौधरी हुकुम सिंह का क्षेत्र, हम तो जीत ही रहेंगे इस ओवर कॉन्फिडेंस में। और फिर जो चीजें रही थोड़ा जनता का रुझान भी कम हुआ, और रातों रात जो आरएलडी ने वहां ट्रांसफर किया अपना वोट समाजवादी पार्टी को, और इसी तरह गोरखपुर में जिस तरह से मतलब आप जानिए योगी जी की सीट और समाजवादी पार्टी जीत जाए, कहीं ना कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने वाली बात। यही कारण है जब उन्होंने देखा कि हाँ, तब वो अब जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पिछड़ों का सम्मेलन कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये गठबंधन होने ना पावे जी। बात आई राजस्थान, लेकिन सर जाति सम्मेलन की बात करें, मैं जरा समीर जी के पास आ रहा हूँ। सर, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप लोग तो खुलेआम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, डेट तक बता दी कि इस डेट को प्रजापति सम्मेलन का है, इस तारीख को यादवों का, इस आप लोग तो कोई कोर्ट का ही कोई नहीं रहा। जरा मैं समीर जी के पास इस सवाल का जवाब ले लूं। भारत के संविधान को कानून को नहीं मानते हैं जी। चलिए मैं सम्मेलन कर रहा हूं, जवाब देने के लिए सक्षम है अपनी पार्टी की तरफ से। समीर जी सवाल का जवाब दीजिए, जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ। चलिए नहीं नहीं कोई नहीं, मैं स्वागत करूंगा आपका। ठीक है मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछ तो रहा हूं सबसे, मैं समीर जी से सवाल पूछ रहा हूं। समीर जी आप इसका जवाब दीजिए। जो बात आपने जाति की कही जी, हमारे सपा के प्रवक्ता न्यायालय की बात कह रहे जी, मैं कर रहा हूं न्यायालय की, आप जवाब दीजिए। सपा भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास जी, हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारी पार्टी में पिछड़ा मोर्चा भी है, हमारी पार्टी में अनुसूचित मोर्चा भी है, हमारी पार्टी में अनुसूचित जनजाति भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में केंद्र में और 17 महीने में अल्प समय में जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए काम किया है, हम उनका सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हम उनके प्रमुख प्रतिनिधियों को बुलाकर हमने जो काम किया है हम उनको बता रहे हैं कि वो अपने समाज में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद माटी कला बोर्ड का गठन किया, पॉलीथीन पर हमने प्रतिबंध लगाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि लगाया, वो कोर्ट ने लगाया है, आपने नहीं लगाया, कोर्ट ने पहले भी लगाया था पालन नहीं कर, उसका भी पालन नहीं आप लोग करवा पा रहे, पहले इस चीज को ध्यान में देती। हाँ जी 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 हाँ जी ठीक है, चल चलिए अपनी बात पूरी करिए। ठीक है हाँ, लेकिन आप गलत बात मत कहिए। ठीक है नहीं, देखिए मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो हमको बीच में आप वो सरकार का आदेश नहीं था इसलिए मुझे बोलना पड़ा सर। देखिए पहले भी सरकार अखिलेश यादव ने पॉलीथीन पर बैन लगाया, हुआ क्या जी? अखिलेश 5 साल तक बोलते कुछ और थे, अखिलेश यादव ने रोकने लगा, अखिलेश यादव पालन नहीं करा पाए उसका। ठीक है हमने पालन कराया, और हमारा ये आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्प समय में 75 जिला का दौरा किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम हमने लाया, माटी कला बोर्ड हमने बनाया, बहुत सारे ऐसे उद्योग जो गांव में गरीब बना रहे हैं, जैसे गोरखपुर का एक उदाहरण दे दूं मैं, टेराकोटा का एक गांव है, टेराकोटा की मूर्तियां दुनिया में प्रसिद्ध है, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, हम मिट्टी से कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाले बर्तन को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहते। चलिए आपने अपनी बात खुद ही कह दी, ठीक है आपने अपनी बात खुद ही कह दी, आपने अपनी बात कह दी सर, आप विकास करना चाहते हो, विकास का आपने खूब ढिंढोरा पीटा
इन सम्मेलनों के जरिए। अजय जी, उसमें साफ तौर पर है कोर्ट ने जो कहा है कि ये एक संविधान के खिलाफ है जो आप उसमें जाकर के बखान कर रहे हैं, इस और समीर जी ने खुद ही बता दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अजय जी, नहीं, जातीय सम्मेलन पे कहा है कि इस तरह के जातीय सम्मेलन राजनीतिक पार्टियों, लेकिन आपका भी कहना ठीक है कि हमारे प्रकोष्ठ जो है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वो प्रतिनिधियों का मैं माननीय अपने विद्वान प्रवक्ता से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अन्यथा न लेंगे। आप पिछड़ों का सम्मेलन कर रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए कि आपके पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, पिछड़ा वर्ग आपका है कहाँ, आयोग कहाँ है? जो आयोग संवैधानिक दर्जा है जिसमें पिछड़े हमारे ऊपर अगर किसी पिछड़े पर अत्याचार होता है वहां जाके कहता है, आप जरा बता दीजिए कि कहाँ है आयोग, आयोग का पता क्या है और आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखिए, मैं अजय जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आयोग तो इस देश में कांग्रेस के जमाने में और समाजवादी पार्टी के जमाने में झुंझुना की तरह बहुत बने। आयोग नहीं, देश की जो आबादी है 125 करोड़, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ से ऊपर का प्रदेश है, उनको देखे आयोग बना के खाली आप किसी को लाल बत्ती दे देंगे इससे काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार आने के बाद 18 बात तो पूरी हो जाने दीजिए अजय जी, 18 महीने की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से यह कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इकबाल को बहाल करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज कानून व्यवस्था को ले आए। हम कानून पिछड़ा आयोग क्या करेगा, आयोग का गठन कर दीजिए, तो ऐलान कर दीजिए, मैं ब्रेकिंग चलाते हैं, मैं ब्रेकिंग बोल दूं कि पिछड़ा आयोग की खत्म करने की घोषणा की समीर जी ने, खत्म कर दीजिए सब आयोग की जरूरत क्या है, मंत्रालयों की भी जरूरत क्या है, कुछ मंत्रालय भी ऐसे चल रहे हैं सर। ठीक है, आप पहले आयोग की बात करते हैं तो सर आप कानून व्यवस्था की बात ले आते हैं, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में पिछड़े आयोग को कानूनी दर्जा देने का काम किया तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होने लगा। कानूनी दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आप बता दीजिए कि 60 साल के इतिहास में किसने दिल्ली के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को कानूनी दर्जा देने का काम किया। चलिए, हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं। समय बहुत कम, ठीक है सर, चलिए हमारा जवाब लीजिए अमित जी, आपकी जल्दी, चलिए ठीक है आप बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी से कि ये बताओ कि बिन समाज, कुशवाहा समाज, मौर्या समाज, ये जो बेचारे गरीब लोग बिल्कुल एकदम हाशिए के लोग, इनके लड़कों को माननीय काशीराम जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने उठाकर स्कूल में कॉलेज में उनको मौका दिया, भागीदारी दी, काहे आपने भागीदारी खत्म कर दी विश्वविद्यालय के अंदर? आज उनको एमफिल पीएचडी रिसर्च वो नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी के कार्यकाल में सारी भर्ती बंद है, एग्जाम नहीं दिए, बन गए टीचर, फेल थे, बन गए मास्टर, भ्रष्टाचार सारी नियुक्तियों में, सारे आपके भर्तियों में, कानून का ये मामला। ठीक है, वो सवाल हुआ और भतीजे आपस में क्यों मिले। चलिए, मैं प्रोफेसर रवि जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है जी, वो पुराने मामले मैंने उठा रहा हूँ क्योंकि अब 2019 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रवि जी, अगर वास्तव में अगर बात करें, इस पूरी कवायद के बीच गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन दलितों का असल में हितैषी कौन है? क्योंकि मायावती ने आज एक बार फिर बात की है कि मैं दलित समाज की बस खाली उसकी सोचती हूँ। चलिए ठीक है सर, पुरानी बातों को मत करिए, मैं रवि यहाँ पर कुछ सर एक स्वस्थ डिबेट हो रही है। रवि जी मुझे राजनीति यहाँ पर नहीं करिए, मैं दलितों के हितों की, दलितों के उत्थान की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, समीर जी रवि जी को सुनेंगे। जी रवि जी, सवाल ये कि ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन वास्तव में दलितों के हितों की बात करें, उनके उत्थान की बात करें, मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें, तो वास्तव में क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है दलितों को, हर पार्टी तो चुनाव के आते आते उनके हितैषी बन रही है, ऐसे में दलित के सामने ये स्थिति है, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं? जी देखिए, दलितों में मुझे लगता है कि इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। हाँ, बहुत गांव स्तर पर जो बाबू साहिब समझाते होंगे वो जरूर थोड़ा हो जाता है, लेकिन अभी चूंकि शिक्षा व्यवस्था थोड़ा मुस्तैद हो गई है तो लोग समझ रहे हैं। देखिए, दलितों के सामने या पूरे भारत के लोगों के सामने जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि ये संवैधानिक
लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, इस देश में कानून और इस देश, ये पूरा देश वो संविधान से चलेगा जी। और दलितों की सबसे ज्यादा सुरक्षा करने वाला कौन है? वो हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, जो संविधान के बताए हुए राग रास्ते पर चलने के लिए जो पार्टी सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होगी, दलित सबसे ज्यादा वहीं सुरक्षित होगा। चलिए एक बात, दूसरी बात आलोक जी, अभी समीर जी कह रहे थे कि दलितों के साथ हमने क्या किया है, लेकिन सबसे ज्यादा संविधान का अतिक्रमण तो आपने किया। संविधान जलाने वाले आज कहां हैं आपने बताया क्या? दलितों के साथ 2 अप्रैल के आंदोलन में इतनी मारपीट हुई, वो आज भी राष्ट्रकाल में बंद है। चंद्रशेखर को आपने फिलहाल, मैं पुराने मुद्दे नहीं, मैं दलितों के हितों की बात कर रहा हूं क्योंकि एक स्वस्थ डिबेट चल रही है। मैं जरा गठबंधन को लेकर के अगर बात करूं तो मुकेश जी से मेरा सवाल है। मुकेश जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, सवाल यह कि कांग्रेस इस बीच अपने आप को कहां पाती है कि कांग्रेस को सम्मानजनक, अमेठी और रायबरेली की सीटें छोड़ दीजिए, बाकी जो बड़े नाम है, चाहे वो शाहजहानपुर से जितिन की बात करें, कुशीनगर से आरपीएन सिंह की बात करें, चाहे वो खुर्शीद सलमान खुर्शीद साहब की बात करें, ये नाम तो बड़े, इनके लिए तो कम से कम इतनी सीटें तो आपको सम्मानजनक आपको भी चाहिए, या कंप्रोमाइज करेंगे आप लोग भी? आलोक जी, मैंने पहले भी कहा था गठबंधन के मामले में कि सम्मानजनक मतलब ये होता है कि आपस में बैठ के जब तय होती, जब सहमति बनती, यही एक दूसरे का सम्मान है। जब हमारे विचार मिलते हैं तब बात होती है, बात चल रही है, अब सीटें डिसाइड होंगी, हर चीज समय पे सब तय हो जाएगा उसमें, और उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा या हम नहीं। हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, हमने आपको बताया था, मैं ब्लॉक सम्मेलन हो चुके, जिला सम्मेलन चल रहे, मंडल स्तर सम्मेलन शुरू होने जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है, एक्टिव हो गई, समय 80 सीटों पे तैयारी कर रही है, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कांग्रेस कार्यकर्ता उसको मानेंगे और उसी हिसाब से। चलिए एक एक फाइनल कॉमेंट मैं सबसे पहले समीर जी से चाहूंगा। समीर जी, अब तक ये माना जा रहा था कि एसपी और बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन अब महेंद्रनाथ पांडे जी ने एक बयान दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर के कि वो राजनीतिक पर्यटन सैरगाह पे आती हैं, 3 महीने बाद आई हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब बहुत अहम, अगर ये गठबंधन क्लिक कर गया तो सवाल ये कि आपके तमाम सारे बड़े लोगों को कहीं ना कहीं देशाटन पर निकल जाना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, या डर है, थोड़ा खतरा है? नहीं देखिए आलोक जी, मैं पॉलिटिकल चर्चा कर रहा है, इस नाते मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल चर्चा पॉलिटिकल तरीके से होनी चाहिए। देखिए गठबंधन पहले भी सपा बसपा का हुआ है, आपको मैं थोड़ा पहले पीछे ले जाना चाहता हूँ। 91 में कल्याण सिंह की सरकार थी, 92 में बाबरी मस्जिद गिरा था जी, और 93 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, हम सरकार से बाहर हो गए, हम सबसे बड़े दल थे, हम बहुत सारी सीटें छोटी मार्जिन से हार गए थे, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो व्यवहार मायावती के साथ किया था, मायावती को गेस्ट हाउस में मारने का जो प्रयास हुआ था, वो मायावती भूली है, हमें ऐसा नहीं लगता। रही बात स्वाभाविक गठबंधन होते, हमारे कांग्रेस के साथ ही अभी कह रहे थे, सपा और बसपा के स्वाभाविक गठबंधन अगर हो जाते हैं तो हम भी उस समय का इंतजार करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का आज के दिन में नेता है अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी बचा नहीं पाए जी, अपनी सरकार चला नहीं पाए, पिता और भाई को अपने साथ रख नहीं पाए, वो मायावती को कितने दिन अपने साथ रख के और गठबंधन चला पाएंगे? कभी कहते हैं राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और कांग्रेस उत्तर में जिसका परिवार होगा उस परिवार में झगड़ा होगा, जिसके पास परिवार नहीं होगा उसके लिए झगड़ा होगा, उनके लिए सपने होंगे, इसलिए जी चर्चा कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं, चलिए हम वोट बढ़ रहा है, जनता के बीच में जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन अमित जी, मायावती आ रहा हूं सर, मायावती की एक शर्त ने गठबंधन का पेच जरूर कहीं ना कहीं फंसा दिया है, कुल मिलाकर के अमित जी एक फाइनल कमेंट। नहीं आलोक जी, आलोक जी आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूँ जी, कर दीजिए। निरंकुश फांसीवादी सरकार जी, जन विरोधी सरकार के सामने जनता पूरा विपक्ष है और उसकी अगुवाई कर रही है समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कयादत में,
और हमने दो मुख्यमंत्रियों को उखाड़ के फेंक दिया है। मैं आपके टेलीविजन पे बोल रहा हूँ। अच्छा अमित जी, सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अमित जी आपने कहा कि आपका कंफ्यूजन दूर कर दे, तो जरा कंफ्यूजन दूर कर रहे तो मुझे जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। गठबंधन को लेकर के कौन नेतृत्व करेगा, कितनी सीटें, इन पर भी क्या सहमति बन गई है? जरा ये भी कंफ्यूजन है, मुझे ये भी दूर कर दीजिए जरा। कौन नेतृत्व करेगा, क्योंकि सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं, सबके अपने अपने मुद्दे। मैंने सवाल पूछा जल्दी से, समय नहीं बस मेरे पास जल्दी। इस पीढ़ी जनता के साथ जे साथ दिया, हमने अकेले गोरखपुर इलाहाबाद में इनको जो है जमींदोज किया। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी है कैसे बनेगी, क्या होगा, हम आज ही आपके सामने क्यों रख दे? लेकिन अकेले समाजवादी चलिए, शायद अगर होती तो शायद रखते, क्योंकि रोड मैप कुछ है नहीं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। प्रोफेसर रवि जी, एक फाइनल कॉमेंट जल्दी से। नहीं देखिए, गठबंधन तो होगा, मुझे पूरा यकीन है कि गठबंधन होगा। और नंबर दो, जो आप कह रहे हैं कि नेतृत्व कौन करेगा, ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, वो दो चार जन माहौल ले लेंगे तब भी रहेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा मुझे लगता है कि जो एजेंडा तय होगा कि जो सबसे बड़ी दल के रूप में आएगा वो बनेगा, या अथवा ये होगा कि जिसको सभी दल इस एक सहमत हो करके प्रधानमंत्री पद पर आसीन करेंगे वो होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात, समीर साहब भी बहुत देर से कह रहे थे कि वो गेस्ट हाउस कांड, अरे लड़ाने वाले तो आप थे जी, आपको पता था कि अगर ये दोनों बोले रहे। चलिए मुकेश जी, इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस अपने अक्सर सर समय बहुत कम है। समीर जी हो गया, मैंने एक फाइनल कमेंट ले लिया, ठीक है। मैं पुराने जब सपा और बसपा ने बुआ और भतीजे ने कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर इसमें सबको दिक्कत क्या है? चलिए मैं ठीक है, कोई नहीं, मैंने एक एक फाइनल कमेंट जी। चलिए मैं मुकेश जी के पास आ रहा हूं। मुकेश जी, इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस अपने आप को कहां पे पाती है और कितना समझौते के लिए तैयार है? देखिए, भाजपा के हमारे जो मित्र हैं वो महागठबंधन के नाम से कितना बिचली हो जाते हैं ये मैं देख रहा हूं, और जनता कितना त्रस्त है, चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो, चाहे महंगाई के नाम पे हो, चाहे पेट्रोल डीजल के नाम पे हो, और रुपया कितना गिरता जा रहा लगातार। प्रधानमंत्री जी कहते थे पिछली यूपीए सरकार में कि जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। लेकिन क्या आज यह उन्हीं पे लागू होता है? पेट्रोल लगातार आसमान को छूता जा रहा है, मुझे लगता है 2013 में अरे 83 रुपए क्रूड ऑयल 146 रुपए था, आज 80 रुपए क्रूड ऑयल बोलता है। को बता दो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रांस के बाद भारत की अर्थव्यवस्था आ गई है। चलिए मैं एक सवाल, ठीक है, चलिए एक अजय जी से एक फाइनल कमेंट। चलिए ठीक है, लगातार सर समय बहुत कम है, सर हो गया, ठीक है, वो जनता जवाब दे देगी ना, थोड़ा चीजें जनता के लिए भी सर सोच लीजिए। समीर जी हो गया ना, मुकेश जी, कालाधन इनके रिजीम में बढ़ गया। सर कुछ नई बात करिए, उसका जवाब मिल चुका, जीएसटी और नोटबंदी का लेकर। अजय जी से फाइनल कमेंट। अजय जी, जिस तरीके से मायावती की बात करें वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पीएम बन सकते हैं अगर उनकी ज्यादा, इस बात का वो ऐलान कर चुके हैं अगर ज्यादा सीटें आई उनकी। अखिलेश यादव हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है इसको आप राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं? एक फाइनल कॉमेंट जल्दी से। हेलो, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जी गठबंधन जरूरी विपक्ष के लिए है जी, और ये मजबूरी भी विपक्ष के लिए है। जहाँ तक बात है सी डब्ल्यू सी की बात कही गई, वहाँ तो आपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर रखा जी, जी। और यही नहीं, मुझे याद है वो दिन भी जब लखनऊ में लोग विधानसभा के चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक 5-स्टार होटल में आपके नेता और अखिलेश जी दोनों मौजूद थे। हम लोगों ने यूपी का साथ पसंद है, उसमें जब ये सवाल मैंने ही पूछा था कि ये बताइए यूपी में कौन रहेगा और केंद्र में कौन रहेगा, तो उन्होंने कहा केंद्र राहुल गांधी जी की है, केंद्र में ये रहेंगे और यूपी के लिए हम लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर आएगा चेहरे का, चेहरा कौन होगा, उस पर क्या लड़ाई होगी, ये आने वाला वक्त बिल्कुल बताएगा। चेहरा कौन होगा आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका भी, और अमित जमई जी आपका भी, मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर रवि कांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन जरूरी है या फिर मजबूरी, ये समय बताएगा आने वाला। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ, लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।